Welcome to E-Vidyalay. Hello friends, this is Abhishek from E-Vidyalay. आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं CBSE 10th Mathematics Paper 2018 और पेपर सॉल्विंग की इस सीरीज में आज मैं आपको 9th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जो कि है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3. फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3. तो सबसे पहले हम 8 मल्टीपल्स लिख लेंगे 3 के, ठीक है. वो कौन कौन से हैं? पहला वो 3 खुद होगा, ठीक है. फिर 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 और 18 होगा, 21 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 24 होगा, ठीक है. अभी हमारे क्या है, 6 मल्टीपल्स है, सॉरी 8 मल्टीपल्स है किसके, 3 के, ठीक है. कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक. अब इनका क्या करना है, हमको सम निकालना है, ठीक है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3. तो चलिए निकालते हैं. सम निकालने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जो कि आपको पता होगा एपी में क्या होता है कि कोई भी सीरीज दी हुई है तो उसका सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है कि SN इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब यहां पे जो n है वो हमारा क्या है, टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है. ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, यहां पे कॉमन डिफरेंस, ठीक है. और हमारा ये क्या है, सम ऑफ एनएथ टर्म, मतलब जितने भी टर्म दिए हैं उनका सम, ठीक है. जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता है वो प्लीज इस फॉर्मूले को नोट कर लें, ठीक है. चलिए ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को रब कर देता हूं और साइड में लिख देता हूं. चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये बताइए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पे, 8 है, ठीक. कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 माइनस 3 3 आएगा, 9 माइनस 6 ये भी 3 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया. और फर्स्ट टर्म यहां पे कितना है, 3 है. तो चलिए ठीक है, अब यहां पे SN निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S8 कर देंगे यहां पे, ठीक है, S8, ठीक. अब यहां पे फॉर्मूला पुट करेंगे, n इज इक्वल टू कितना, 8 है, तो 8 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 3 प्लस n, यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है. सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 6 प्लस 7 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 21 और ये आपका 27, ठीक. इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर कितना आ रहा है, 108, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 कितना आंसर आ गया मेरा, 108 आ गया, ठीक है. चलिए ठीक है, अब बात करेंगे 10th क्वेश्चन की. इसके बाद आप 10th क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है. नाउ 10th क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4, n, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -3, हेंस फाइंड M. तो हम पॉइंट P के Y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक A पॉइंट है और एक B पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या क्या है, 2, 3 है और 6, -3 है, ठीक. यहां से एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दिए हम, ठीक. अब ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक. ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 4, m है, ठीक. तो हमको यहां m भी कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ क्या कैलकुलेट करना है, किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक.
तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ये करते हैं कि ये पी पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को एक्स रेशियो वन में, यानी कि लेट कर रहे हैं यहां पे पी पॉइंट जो है एक्स रेशियो वन में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि रेशियो में डिवाइड करता है। तो चलिए बताइए, पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम यहां पे लेट कर लें कि ये एक्स वन है, ये वाई वन है, और ये एक्स टू है, और ये वाई टू है, और एम रेशियो एन में लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो पी एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्स टू, एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, पी वाई इज इक्वल टू एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं यहां से। ठीक, अब चलिए, अब मेरे पास क्या क्या गिवन है, इस पी कोऑर्डिनेट का, पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि फोर है और एम है। ठीक, तो क्या मैं इस पी एक्स की जगह फोर लिख सकता हूं? ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, तो यहां पे फोर लिख लीजिए और क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू क्या है यहां पे, एक्स है। ठीक है, और एक्स टू की वैल्यू कितनी है यहां पे, सिक्स है, इंटू सिक्स प्लस एम की वैल्यू कितनी है यहां पे, वन है। ठीक है, वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है यहां पे, टू है। ठीक है, इंटू टू डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, यानी कि एक्स प्लस वन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये पूरा उठ के यहां चला आएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पे, सिक्स एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहां पे देख लीजिए, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी, चलिए कैलकुलेट करते हैं यहां से, सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू गिव्स एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कैलकुलेट हो गई यहां पे, यानी कि हमको पता चल गया कि ये जो पॉइंट पी है इस लाइन सेगमेंट ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वन इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक, अब हमको कैलकुलेट करना है एम की वैल्यू जो कि पी वाई है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, चलिए बताइए पी वाई की वैल्यू एम है, यहां पे एम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, यानी कि एम की क्या वैल्यू है, वन है, वन इन टू वाई टू यानी कि माइनस थ्री, माइनस थ्री कर देंगे प्लस एन की वैल्यू क्या है, वन है, वन इन टू वाई वन यानी कि थ्री है, चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन यानी कि वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस थ्री प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू एम की वैल्यू गिव्स माइनस थ्री और प्लस थ्री कैंसिल आउट होकर जीरो दे देगा, यानी कि होल आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, जीरो। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये फोर कॉमा जीरो। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई थी, वन आ गई थी, और एम की वैल्यू जीरो। ये हमारे फाइनल आंसर है। ठीक है, थैंक यू।